नमस्कार दोस्तों, एमपी ऑनलाइन सीएससी बिजनेस ट्रेनिंग के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, वो यह है कि जो सर्टिफिकेट हमारी संस्था प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, जो कि जीडीएस के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ज्वाइन किया हुआ है, सर्टिफिकेट उनको बाय मेल बाय पोस्ट प्राप्त हुआ है, उनके भी ये सवाल आते थे कि सर कहाँ कहाँ पर हम इस सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो लेना चाहते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उन सभी के लिए ये वीडियो है जिसमें हम आज जानकारी आपको देंगे कि कहाँ कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी संस्था प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से ये जो सर्टिफिकेट आपको दिए जाते हैं उसका इस्तेमाल आप उन सभी वैकेंसीज में कर सकते हैं जहां पर ये एलिजिबिलिटी मांगी जाती है कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाना है किसी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का या किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का। ठीक है, अब बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिसमें पर्टिकुलर ये लिख के आता है कि आपको यूनिवर्सिटी या यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के माध्यम से डीसीए या पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट लगाना है, या नाइलेट के माध्यम से जो होता है वो लगाना है, या आरएससीआईटी के माध्यम से जो कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है वो आपको लगाना है। तो अगर वहां पर या किसी भी वैकेंसी में पर्टिकुलर ये लिख के आता है कि यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी या किसी जैसे नाइलेट हो गया, आरएससीआईटी हो गया, संस्था का नाम लिख के अगर आपको दिया जा रहा है तो वहां पर ये सर्टिफिकेट आपका काम नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों? यूनिवर्सिटी जो होती है वो अलग लेवल पे होती है। यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंतर्गत रजिस्टर होती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें, आरडीवीवी यूनिवर्सिटी होती है, माखनलाल यूनिवर्सिटी होती है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी होती है, भोज यूनिवर्सिटी होती है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और उनके सर्टिफिकेट अगर मांगे जाते हैं वहां पर ये नहीं काम करेगी क्योंकि ये इंस्टीट्यूट लेवल पर रजिस्ट्रेशन है। इंस्टीट्यूट लेवल पर रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये नहीं है कि ये सर्टिफिकेट कहीं पर वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड है, उन सभी जगह पर वैलिड है जहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता है विद गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। अब अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लो कोई वैकेंसी आती है जिसमें यह मांगा गया कि भैया आपका जो बेस है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो 12th है। ठीक है, 12th बेस से कोई वैकेंसी आती है, आप उस वैकेंसी में यदि 8वीं की, 7वीं की या 10वीं की मार्कशीट लगाते हैं तो क्या वो 10वीं की मार्कशीट उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए वैलिड होगी? नहीं होगी, क्योंकि वहां पर उसका बेस ही 12th है। तो इस आधार पर आपकी 10वीं की मार्कशीट उस वैकेंसी में वैलिड नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी 10वीं की मार्कशीट जो है वो वैलिड नहीं है। 10वीं की मार्कशीट आपकी वैलिड है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर वैकेंसी में वैलिड होगी जहां पर 10th बेस से वैकेंसी आई होगी। इसी प्रकार से अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी लेवल पे मांगा गया है तो वहां पर आपका ये इंस्टीट्यूट लेवल का सर्टिफिकेट वर्क नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी वैकेंसी आती है जहां पर आपसे कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट विद गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट मांगा गया है, वहां पर ये सर्टिफिकेट 200% वैलिड है। जैसे कि अगर जीडीएस की बात करें, ग्रामीण डाक सेवक, वहां पर कंप्यूटर नॉलेज की आवश्यकता है, वहां पर ये सर्टिफिकेट 200% वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पर। इसके अलावा भी बहुत सारी और वैकेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया जहां पर आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल बहुत आसानी से करें, वहां पर आपको समस्या नहीं आएगी। किसी भी वैकेंसी में उसकी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें, क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, क्या उसमें आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है, उसके आधार पर ही अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखें। अगर जीडीएस की बात करें, यहां पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट को मुख्य रूप से तैयार करके रखना है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपने जो फॉर्म भरा है उसको फॉर्म को 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही आपको भरने को कहा गया, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो 10वीं के मार्क्स के आधार पर ही बनने वाली है। इसलिए यहां पर मुख्य रूप से जो फोकस किया गया है वो 10वीं की मार्कशीट पर किया गया है। इसके और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो जीडीएस के लिए आपको तैयार रखने हैं। तो अगर आप कोई भी वैकेंसी की फॉर्म भरते हैं, उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें, वहां पर क्या क्या मांगा गया है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। और रही बात सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट हर उस जगह वैलिड है जहां पर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या कंप्यूटर नॉलेज मांगा जाता है।